इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें एक क्वेश्चन पेपर बनाना है एमसीक्यू टाइप, जो कि हमें 20 मार्क्स का सबमिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। इसके लिए मोबाइल पर भी आप अपने किसी वेब ब्राउजर का यूज करिएगा, स्कॉलरो ऐप का यूज मत करिएगा, ठीक है। तो मैं अपने लैपटॉप पर इस काम को कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ। तो ये रहा मेरा यूजर आईडी और मैं अपना पासवर्ड भी इनपुट कर देता हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन कर जाने के बाद आपको क्विज तैयार करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने लेफ्ट साइड में क्विजेस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो लॉगिन हो गया है, यहाँ पे देखिए क्विजेस का ऑप्शन, यहाँ मुझे लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन में क्विजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। या फिर आप सामने भी आपको क्विजेस ऑप्शन था राइट साइड में, आप उस आइकन पे भी क्लिक कर सकते थे, ठीक है। क्विजेस पे जाने के बाद यहाँ से लोडिंग हो जाएगी और मैं पहले क्रिएट न्यू क्विज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्विज को का नाम है प्री मिड टेस्ट, सॉरी मेरा कैप लॉक ऑन है, तो प्री मिड टेस्ट ये नाम दे देता हूँ, ठीक है। और सेशन भी डाल देता हूँ 2020-21, ठीक है। और क्रिएट क्विज कर देता हूँ। इतना करते ही साथ ये देखिए क्विज क्रिएट हो गया है। मैनेज ये मैं किस किस क्लास के लिए करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये भी मेंशन कर दूंगा, जैसे 11C, 11D और 11A और भी होगा 11B, ठीक है। इतने क्लासेस के लिए मुझे चाहिए, ये चार सिलेक्शन हो गए। अब एड क्विज पे आते हैं, ठीक है। एड क्विज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मुझे प्रीमिट टेस्ट, देखिए यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है ना प्रीमिट टेस्ट 2020-21, यहाँ एक्शन में आइए, एक्शन में सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स में देखिए डिटरमाइन द क्वेश्चन डिलीवरी, डिलीवर ऑल द क्वेश्चंस एट वंस, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस एक बार में बच्चे के सामने प्रेजेंट करने हैं, तो मैं सब सारे क्वेश्चंस बच्चे के सामने एक बार में प्रेजेंट करना चाहूंगा। अगर आप एक एक करके चाहते हैं कि क्वेश्चन बच्चे के सामने आए, तो आप डिलीवर क्वेश्चन एट वन एट ए टाइम यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन बच्चे के सामने एक बार में आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अवेलेबल डेट, अवेलेबल डेट आप किस तारीख को इसको अवेलेबल कराना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे से मंडे को अवेलेबल करवाना है, तो मैं 24 को दे दूंगा। ड्यू डेट मुझे सबमिशन भी 24 को ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिट्रैक्ट, इसके बाद जो है बच्चा इसको सबमिट नहीं कर सकता, तो मैं इसको भी रिट्रैक्ट डेट को भी 24 कर देता हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ सबमिशन, मैं सिर्फ एक सबमिशन ही बच्चे को अलाउ करूंगा, अपने आप ये सबमिशन हो जाएगा फिलहाल तो, ठीक है। व्यू सबमिशन, अलाउ स्टूडेंट टू व्यू सबमिशन, इसको मैं नो रख करके रखूंगा ताकि बच्चा अपना सबमिशन ना देख पाए, ठीक है। तो बच्चे का जो भी टेस्ट होगा वो अपने आप पूरा हो जाना चाहिए। टाइम्ड असेसमेंट, ये टाइम्ड असेसमेंट है और ये 30 मार्क्स का होना चाहिए, तो मैं 30 मार्क्स से थोड़ा सा एक दो मिनट बढ़ा के दे देता हूँ ताकि बच्चे को समय कम नहीं पड़े, ठीक है। वैसे 30 मार्क्स ही सफिशियंट है, 30 मार्क्स हमसे बोला गया, हम 30 मार्क्स ही देंगे, ठीक है। तो वो बाद में अगर कोई इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है बच्चों को, हो सकता है कुछ दिक्कत हो, तो वो जैसे जब इंस्ट्रक्शन आएगा तब देंगे। अभी 30 मार्क्स बोला गया, 30 मार्क्स यहाँ पे फीड कर दीजिए। क्विज इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप क्विज इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, ठीक है। जैसे दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच कैरी एंड ईच कैरी वन मार्क, ठीक है।
इसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे एग्जाम्पल देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और उसके अलावा आपको देना हो क्वेश्चन या आंसर आंसरिंग विल नॉट अलाउड और इट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस देने और सेव सेटिंग कर दीजिए। इतना सारी चीजों करने के बाद सेटिंग सेव कर लीजिए। वापस से मैं चला जाता हूँ अब अपने पेपर पर। ठीक है, तो क्विज़ पे वापस आ जाता हूँ। अब इसमें फिलहाल तो सेटिंग्स मैं सेट कर चुका हूँ, एडिट पे आता हूँ। एडिट पे आने के बाद मुझे यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऐड करने हैं, तो ऐड क्वेश्चन पे आ जाइए। किस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल आंसर आप इसे चूज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी सब्जेक्टिव टाइप में आपको आंसरिंग वाला चाहिए तो यहाँ ऐसे पे सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना हो तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप को, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आंसर्स वाला है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप का रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई क्वेश्चन बैंक बना के रखा हुआ है तो आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने तो बना के रखा हुआ, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक का यूज करके भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले बिना क्वेश्चन बैंक के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, ठीक है, एड क्वेश्चन पे आइए। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर को सेलेक्ट करके मैंने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। अब अपने आप ये मुझे स्विच करके ले जाएगा, तो कनेक्टिविटी का इश्यू है। हाँ, लोडिंग हो रही है। इस तरह से आपके सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन मुझे 1 मार्क का रखना है, तो मैंने यहाँ 1 चूज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर ये पहला क्वेश्चन है। मैंने इंटरनेट पर ऐसे ही एक जगह पर कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे खोल लिए हैं, ये मेरे सब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो ये है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इस वेबसाइट से, और यहाँ से क्वेश्चन टेक्स्ट में ले जा करके अपने क्वेश्चन को टाइप कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके जो ऑप्शंस हैं उन्हें मैं यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर्स में यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं PL1 कॉपी और करेक्ट आंसर यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर रख सकता हूँ और ऐसे ही यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ऑप्शन जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी यहाँ पर पेस्ट, ऐसे करते जाइए। बेसिक कॉपी यहाँ पर पेस्ट, और मेरे ख्याल से इसका आंसर पास्कल है, तो यहाँ से मैं इसको पास्कल वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, और आंसर जो भी करेक्ट आंसर है उसको वहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके एमसीक्यू में करेक्ट आंसर है, और उसके बाद रीजन कुछ देना हो तो यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं, और इनकरेक्ट होने का भी कोई रीजन देना हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो आप इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सबमिट हो गया। ठीक है, इसका प्रीव्यू
तो ये पीछे नहीं गया, अब लोड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड क्वेश्चंस पे आ जाइए फिर से, और मुझे इसमें क्वेश्चंस ऐड करने हैं अभी। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर ही वाला करना है। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करिए, इसकी भी वैल्यू एक ही मार्क्स की है। क्वेश्चन ऑर्डर ना ये 2 है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आना है, क्वेश्चन टेक्स्ट क्या नंबर देना है, क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है भाई, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट। फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ से पहला ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर में यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी यहाँ से कॉपी करते जाइए, ऐसे करके कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ये अटैच फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट अपनी वर्ड फाइल को अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी आपका काम तुरंत तुरंत हो जाएगा। तो फिलहाल तो मेरे पास अभी वर्ड फाइल में मेरे में सारे 20 क्वेश्चन पड़े हुए, तो वो मैं नहीं डाल सकता, एक एक क्वेश्चन कोई भी इस तरह से डायग्राम या कुछ होगा तो उसके अटैचमेंट के लिए है फिलहाल, ठीक है। आप यहाँ पर कोई डायग्राम या कुछ है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं मेरे ख्याल से अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ से डेटा प्रोसेसिंग कॉपी, पेस्ट, करेक्ट आंसर इसका होगा मेरे ख्याल से डेटा फ्लो, ठीक है। तो डेटा फ्लो में करेक्ट आंसर में लिख देता हूँ, रीजन मुझे कुछ नहीं देना, ऐड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गए हैं और 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। इन पे कुछ भी एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो आप इन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्शन भी अवेलेबल है, अगर फ्यूचर में अगर आप इनको एडिट करके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, जब तक ये पब्लिश नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तब तक आपके पास ये ऑप्शन है, मतलब जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश करने पर ये क्विजेस कौन जाएंगे, इसके लिंक, इसका जो है जो भी पार्ट है जो बच्चे अटेंड करेंगे वो बच्चों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, उनकी एक्टिविटी फील्ड में दिखने लगेगा। तो मैं इसको अभी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पब्लिश जब हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो उस दिन हमें पब्लिश करना रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से हम लोग को जिस दिन पेपर होगा उस दिन इसे पब्लिश करना होगा, और टाइम भी हमने यहाँ पे डाल रखा है, तो मेरे ख्याल से जिस समय पेपर करवाना होगा उसी समय इसको पब्लिश किया जाएगा, जो भी एट टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों को नजर आने लगेगा, मेरे ख्याल से 10 मिनट पहले इसको हम लोग पब्लिश करना शुरू करेंगे और तुरंत बच्चों के पास वो लिंक पहुंचेगा और बच्चे अपने एक्टिविटी फील्ड में जा करके उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरह से ऐड क्वेश्चन करके ढेर सारे क्वेश्चन में ऐड कर सकता हूँ, ठीक, और करने के बाद मुझे पब्लिश क्विज कर देना है। जैसे ही हम पब्लिश क्विज करेंगे, ये सारे जो है मैंने इसमें मैनेज क्विज क्लासेस में देखिए 4 क्लासेस यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे, तो इन चारों क्लासेस के स्टूडेंट के पास ये जो है चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे पब्लिश क्विज पे उसके बाद क्लिक करना होगा, जैसे ही पब्लिश क्विज कर देंगे बच्चे वहां से अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। उनका बाकी आपको कोलारो ने जैसे बताया हुआ है कि वो बच्चे वहां पे स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी फील्ड में जाकर के वो बच्चों को लिंक दिखाई देगा, लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां पे स्टार्ट क्विज करेंगे, जैसे ही स्टार्ट क्विज करेंगे उनका टाइमर ऑन हो जाएगा और जैसे 30 मिनट पूरे होंगे वो वहां से सबमिशन हो जाएगा। अगर बीच में कोई इशू होता है या नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है तो उस समय आपका स्टूडेंट का टाइमर जो है वो रुका रहेगा, उसके बाद जो है जैसे ही वो उसको अटेम्प्ट करेगा तो उसका टाइमर जो है उसके बाद से वापस से जब कनेक्टिविटी आएगी तो उसके आगे से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उतनी देर जो है उसका कनेक्टिविटी नहीं थी तब भी टाइमर चल रहा हो, ठीक है। तो उसको पूरे 30 मिनट मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे को, ठीक है। तो आप ऐसे करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पब्लिश कब करना है, कब जो है आपको कैसे क्विज़ तैयार करने हैं, एमसीक्यू टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन कैसे दिए जा सकते हैं, मेरे ख्याल से सभी तरह के क्वेश्चन इसमें भेजे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, तो ज्यादातर लोगों के इसमें से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर बनाए जा सकते हैं और सब्जेक्टिव एमसीक्यू हर तरह के क्वेश्चन पेपर इसमें से बना करके पब्लिश किए जा सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन पेपर
इस पर जो है अपलोड करके रख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में कम से कम करके रख लीजिए, ताकि जब आपका पेपर करवाना हो तो वो क्विजेस पे जा करके सीधे वहां से पब्लिश हो पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।